मध्य प्रदेश में भोपाल की जेल से 8 लोग भागे तो पहाड़ के ऊपर उनको गोलियां मारकर खत्म कर दिया। जब यह खबर अखबारा टीवी पर आई तो मेरे पास अखबार के रिपोर्टर आए, बल्कि नाम लेकर कहता हूं एक रिपोर्टर है, उनका नाम आशीष है। हेडलाइन सुने के मेरे पास आए, बोले वो इसी साफ तबसरा करिए। मैंने कहा तुम्हारे पास फोटुआ है? बोले कि ये देखो फोटुआ है लाशों के। मैं जब लाश की फोटो देखा मुझे यकीन हो गया कि ये एनकाउंटर नहीं, ये कत्ल है, कत्ल है, कत्ल। मौलानाओं और उलमाओं की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भोपाल की जेल में 32 फीट ऊंची दीवार और 8 की 8 लोग, ये 8 3 एक बरक में 2 एक बरक में और 3 एक बरक में। अब आप देखिए मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ये बोल रही कि ये भागने वाले जेल के ताले को कैसा खोले, जेल के ताले को बोल रहे टूथब्रश से खोले। दुनिया में से कौन सा टूथब्रश का इजाद हुआ मेरे को बताओ, मेरे को भी ताले खोलना है। हिंदुस्तान की जेलों में दलित मुसलमान और ट्राइबल है, उनके ताले क्यों कब खुलेंगे, हुकूमत कब खोलेगी? मगर यहां कहा गया कि टूथब्रश से खोल दिए। फिर बाद में किसी ने कहा नहीं नहीं आप मजाक मत उड़ाइए, वो आप लोग दांत में करते ना। मैंने कहा लकड़ी? बोले हाँ। मेरा मिसवाक? यस। मैं बोला कौन से वली ने उस पर पढ़कर मिसवाक दिया तो उसमें कशवो करामात जारी हो गए कि मिसवाक लगाए तो खुफल ताला खुल रहा जेल का हो। आखिर कौन सा वजीफा पड़े होंगे वो लोग, मेरे को भी जरूरत है। अगर वो कहीं है तो मिसवाक मेरे को तो वही भी रखे, फिर तो मेरे बहुत स्मरण है। मिसवाक से जेल खुल जाती है। और 8 लोग 32 फीट की दीवार करते, बोले नहीं कैसा नहीं कर सकते, कैसा करते, वो बेचीदा थे। मैं भी जेल में रहा हूं और एक बार तो 50 दिन रहा जेल में, मैं भी रहा हूं। मगर जेल में आपको बेडशीट एक ही देते, 8 लोग की 8 बेडशीट, 32 फीट कैसा कौन डाला होगा ऊपर उसको। बोले कि नहीं एक के ऊपर एक खड़े हो गए चढ़ गए, ठीक है वो भी मान लिया, मैं एक उतर जाएंगा दूसरे साथ कैसा करते। मगर 32 फीट की दीवार कूदे, कूद के रोड क्रॉस करे और रोड क्रॉस करने के बाद एक 5 फीट की दीवार थी वहां पर, वो दीवार नहीं कूदते, गेट को तोड़ के भाग। 32 फीट की दीवार कूद गया मिस्टर मोदी, 5 फीट की दीवार के लिए गेट तोड़ेगा? आखिर ये कौन थे लोग जो 32 फीट की दीवार कूद गए? अगर इतना टैलेंट था तो ओलंपिक में पोल वॉल्ट में गोल्ड मेडल दिया जाता आपने। ये 32 फीट की दीवार कूदे। जब ये बात हो गई तो किसी उनके चाहने वाले ने टीवी पर कहा फिर कपड़े कहां से आए उनके पास, कोई बाहर से ला के दिया? मतलब ठीक है बाहर से दिया होगा, देने वाला जूता दिया, जींस दिया, बेल्ट दिया, सब दिया, मगर गाड़ी कहीं को नहीं दिया। गाड़ी देता तो भाग जाते, या गाड़ी नहीं दिया तो जहाज में अगर उसको मोटरसाइकिल आई तो वो तो देना था, वो भी नहीं दिया। मगर आप एक पहाड़ की चोटी पर जिसके दोनों जानिब खाई थी 80 फीट की, और टीवी पर वीडियोस आ गए जिसमें वीडियोस में बता रहे कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि क्या करना, तो हायर ऑफिशियल बोलता है मिस्टर मोदी काम तमाम कर दो, हायर ऑफिशियल बोलता 5 मर गए 3 को भी मार दो बोलता मिस्टर मोदी। हद तो ये हो गई कि एक लड़के की लाश जो पड़ी हुई थी, आवाज आ रही है कि उसके जिंदा है, मार गोली मार गोली, तो जो जिंदा है आखिरी सांसें थी होंगी उसमें आप गोली मारते हैं उसको। बताओ मिस्टर मोदी मरने वालों की माए उनकी बहने जब वो नजारे देखते होंगे क्या उनके कलेजा उनके मुंह को नहीं आता होगा? हिंदुस्तान के वजीर आजम क्या यही मोहब्बत है आपकी मुस्लिम औरतों से? क्या यही मोहब्बत है आपकी मुस्लिम औरतों से?
आप जिंदा पकड़ सकते थे उन बच्चों को, उन पर दोबारा यूएपीए लगाना था, केस लगाना था।